नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में। बहुत समय से न्यूज में बना, काफी सालों से चलता हुआ कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट, और हाल ही में जस्टिसेस चंद्रचूड़ एंड बोपन्ना ने अपने आप को इसकी हियरिंग से रिक्यूज कर लिया है। डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है रिक्यूजल, कौन कौन कर सकता है, क्या प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग, साथ ही में कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट क्यों मुद्दा आज भी बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं, आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा यहाँ पर सही है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 प्रोवाइड करता है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरिडिक्शन ही नहीं होता इंटर रिवर वाटर स्टेट डिस्प्यूट्स में। ए बी सी डी क्या यहाँ सही जवाब है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के बीच में आपको कहीं ना कहीं इसका आंसर जरूर मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ है जानने को। चलिए समझेंगे न्यूज है क्या। देखिए, डी वाई चंद्रचूड़ साहब और ए एस बोपन्ना ने जो रिवर वाटर डिस्प्यूट था कृष्णा रिवर का, उसका जो केस है उसकी हियरिंग से यहां पर मना कर दिया। क्यों? उनका यहां पर कहना है कि बहुत सारी वजह है। सबसे पहली अगर बात करूं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? जस्टिस चंद्रचूड़ है महाराष्ट्र से और जस्टिस बोपन्ना है कर्नाटका से, और जब दो ऐसे अलग अलग स्टेट को बिलोंग करने वाले लोग जिनका जो स्टेट इस केस हियरिंग में इन्वॉल्व है, तो यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरली देखने को मिलता है। और पास्ट में भी जब भी ऐसा देखने को मिला तो जजेस ने अपने आप को रिक्यूज ही किया है। और जस्टिस चंद्रचूड़ का यहाँ पर साफ कहना है कि हम इन्वेक्टिव का टारगेट होना नहीं चाहते, यानी किसी भी इंसल्ट या किसी भी फॉर्म ऑफ कमेंट्स का यहाँ पर हम विक्टिम या टारगेट होना बिल्कुल भी नहीं चाहते। और हमारे पर्सनल जैसे बोपन्ना कर्नाटका से हैं और कर्नाटका एक स्टेट है और चंद्रचूड़ साहब है महाराष्ट्र से, तो ओरिजिन अगर मैं बात करूं कृष्णा रिवर का, तो ओरिजिन कहां से होता है? महाबलेश्वर से, और वो कहां आता है आपका? महाराष्ट्र में ही आता है। तो ये कुछ वजह है जिस वजह से जजेस ने अपने आप को रिक्यूज यहां पर कर लिया है। यहां बात कर लेते हैं कि जजेस रिक्यूजल बेसिकली है क्या। रिक्यूजल का सिंपल मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी केस से जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका लाई करता है, तो आप उसकी हियरिंग से अपने आप को रोक सकते हैं, आप अपने आप को वापस अपने आप को रिमूव कर सकते हैं कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहता। ये जनरली जब होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एज इन अगर मान लीजिए आप जज हैं और आपके पापा का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है किसी दूसरी पार्टी के साथ या कोई कॉलीग है उनका, तो आप जनरली क्या करेंगे कि आप अपने आप को रिक्यूज कर लेंगे क्योंकि आपके पापा इन्वॉल्व है, तो आपका इंक्लिन आपके पापा की तरफ जनरली होने वाला है, जाहिर सी बात है, तो आप उनके फेवर में डिसीजन सुनाएंगे। तो सरकार और गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो ये एक रिक्यूजल वाला यहां पर फैसिलिटी आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी केस है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का कोई डिस्प्यूट है, राइट, तो अगर किसी जज ने शेयर खरीदे हुए उस कंपनी के, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस कंपनी को फेवर करेगा क्योंकि उसको शेयर्स में नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से यहां पर रिक्यूजल हमें देखने को मिलते हैं, और टाइम एंड अगेन कई सारे रिक्यूजल आप देखेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पर समझने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जजेस जो होते हैं वो शेयर्स खरीद सकते हैं, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो उनको बार करता हो शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदने से रोकने के लिए। ऑलराइट, चलिए आगे बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। यहाँ पर बात करें, देखिए आर्टिकल 262 प्रोवाइड करता है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। जनरली कोई भी नदी जो एक स्टेट से ज्यादा में बहती है तो वो जनरली इंटर स्टेट रिवर हो जाती है, और जब इंटर स्टेट रिवर हो जाती है तो टेंड मतलब आज की डेट में अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, पानी की कमी इतनी हो रही है, तो पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, तो इसका विवाद आज भी देखने को मिलेगा और फ्यूचर में भी देखने को यहाँ पर मिलता रहेगा। कृष्णा रिवर की बात करें तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने डिसाइड कर लिया था म्यूचुअली कि हमें 66:34 के रेशियो में वाटर डिवाइड करना है, पर आज की डेट में ये डिमांड कर रहे हैं कि 50:50 होना चाहिए, राइट, 50:50 डिवाइड करो। बताऊंगा क्या वजह है। तो ये आर्टिकल 262 प्रोवाइड करता है एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर वाटर। साथ ही में बात करें, इसमें दो प्रोविजन मेनली आते हैं कि पार्लियामेंट किस बाय लॉ या कानून और नियम बना सकता है इसके रिगार्डिंग, कोई भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। ऑलराइट, साथ ही में पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ ये भी कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो मतलब बेसिकली जब भी बात करते हैं हम इंटर रिवर वाटर स्टेट डिस्प्यूट की, तो इसमें मेन कौन होता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में? इसमें मेन पार्टी है आपकी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही इसके लिए नियम और कानून यहां पर बना सकती है। साथ ही में बात करें कृष्णा वाटर डिस्प्यूट की, देखिए मेन इश्यूज क्या है, ये आती है आपके महाबलेश्वर से ओरिजिन होती है रिवर, एंड देन ग्रेजुअली जाती है आपके महाराष्ट्र में से भी एंटर करती है कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ पर मेन पार्टी बनती है, और इसमें आप देखेंगे जुराला डैम, नागा अर्जुन सागर डैम, ठीक है, पुति चिंताला प्रोजेक्ट, सिरी सलेम डैम, ये बेसिकली कुछ कंटेंशियस एरियाज हैं। जब 64:34 के रेशियो में पानी डिवाइड हो गया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर डैम बनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से और इशू बढ़ गया। एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे कि आप हमारा पानी रोक रहे हैं, डैम बना देंगे तो आप पानी को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये मेजर यहाँ पर डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। साथ ही में अगर आगे बात करूं कुछ मेजर वाटर डिस्प्यूट जो पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, उसमें से सबसे पहला आता है रवि एंड ब्यास रिवर का, जिसमें पंजाब हरियाणा और राजस्थान स्टेट कंसर्न है। फिर आता है नर्मदा का, एमपी गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान, चार स्टेट यहाँ पर पार्टीज बनी हुई है। साथ ही में बात करें मंडेल मंडोवी या महादाई रिवर की, जिसमें गोवा कर्नाटका और महाराष्ट्र रिवर आती हैं। देन कृष्णा में आपको पता है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटका, और फिर गोदावरी रिवर
वाटर डिस्प्यूट, देन आपका पेरियार रिवर वाटर डिस्प्यूट, देन वमसाधरा वाटर रिवर डिस्प्यूट। याद रखिएगा वमसाधरा इंपॉर्टेंट बनता है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा यहां पर इसकी पार्टीज है। क्लियर है बात? चलिए यहां पर कुछ बात करूं मैं आपके ग्राउंड्स की, कि किन ग्राउंड्स पर जजेस अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आएगा तो जज किसी भी एक पार्टी के फेवर में यहां पर अपना डिसीजन सुना सकता है। दूसरा, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर और रिलेशनशिप विद समवन हु इज इंटरेस्टेड इन। मान लीजिए आपका रिश्ता है, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, आपकी कोई पहचान वाले लोग हैं उनका केस है, रिलेशनशिप है किसी भी फॉर्म में, ठीक है, आपके कोई भाई हैं जिनकी कोई कंपनी है उनका इशू है, तो भी आप अपने आपको रिक्यूज करेंगे। ये एक मॉरल है आपका, ये कहते हैं हम आपके एथिक्स हैं कि आप खुद को इस केस से बाहर कर ले, क्योंकि आपका इंक्लिनेशन हमेशा आपके रिलेटिव की तरफ ही रहने वाला है। बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए जज पहले जो जो भी काम करते थे वो किसी चीज से एसोसिएटेड थे, उसी का यहाँ पर केस आ गया, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के चलते अगर हम बात करें तो वो अपने आप को केस से रिक्यूज कर सकते हैं। दूसरा है पर्सनल नॉलेज अबाउट द पार्टीज और द फैक्ट्स ऑफ द केस। आपको किसी के बारे में पर्सनल नॉलेज है, अगर हम बोलते हैं ना कोई भी केस, जैसे आपके पड़ोसी का कोई केस हो गया, तो हम लोग कितनी जल्दी डिसीजन सुनाते हैं कि उसी ने कुछ गलत किया होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिस बंदे ने गलत किया है, हमें हमारे मन में उसके प्रति एक नेगेटिव इमेज है, राइट? तो हम पहले से सोच लेते हैं कि उसने गलत किया होगा। सबसे तेज भारत में जज होते हैं, तो हमारे घर में हमें देखने को मिलते हैं जो तुरंत डिसीजन सुनाते हैं। अगली बात करें एक्स पार्टी कम्युनिकेशन विद लॉयर्स और नॉन लॉयर्स। नॉन लॉयर्स और जो लॉयर्स से अगर मान लीजिए आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बाहर भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको फैक्ट सुनाई दे रहे हैं, आपको एक फेवरिज्म आ जाएगा, कहते हैं ना कि किसी एक साइड की स्टोरी अगर आपने सुन ली तो आपका मन बन जाता है यार कि यार हाँ यार सही कह रहा है ये इंसान, अच्छा है, गलत इसी ने किया होगा। दूसरा है रूलिंग्स कॉमेंट्स और कंडक्ट। आपकी कोई ऐसी रूलिंग है, आपके कोई ऐसे कॉमेंट्स है पास्ट में, आपका कंडक्ट ऐसा शो करता है कि आप एक साइड के हैं, जब हम बात करें लेफ्ट विंग और राइट विंग की, आपका किसी पार्टी से एसोसिएशन है, जैसे बीजेपी से बात करें, तो यहां पर उसके चलते भी आप अपने आपको रिक्यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई कभी ना कभी मैंने देखा है कोई ना कोई आदमी यहां पर पिटीशन जरूर डाल देगा कि ये जो जज है ये इस पार्टी से एसोसिएटेड है, आप प्लीज इन्हें हटाइए। ऑलराइट, चलिए साथ में बात करें कि क्या कोई प्रोविजन है रिक्यूजल से रिलेटेड, कोई भी प्रावधान है क्या यहाँ पे। देखिए एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि देर आर नो रिटन रूल्स ऑन द रिक्यूजल ऑफ जजेस, कोई भी रिटन रूल्स नहीं है, याद रखिएगा इसे, स्टार मार्क कर लीजिए। हालांकि ये डिस्क्रिशन ऑफ जज है, डिस्क्रिशन यानी जज खुद से डिसाइड कर सकता है कि उसे रिक्यूज होना है या नहीं। ऑलराइट, साथ ही में द रीजन फॉर रिक्यूजल आर नॉट डिस्क्लोज इन ऑर्डर, जनरली हम बात करें कोर्ट में जो आपका डिस्क्लोज जो रीजन होता है रिक्यूजल का वो जनरली डिक्लेयर नहीं किया जाता, यहां पर डी वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना ने लॉयर से बात करके जरूर यहां पर कन्वे किया है, और कुछ कुछ केसेस में कन्वे भी होता है। साथ ही मैं बात करूं कि पास्ट में कौन कौन से ऐसे केसेस थे जिसमें हमें रिक्यूजल देखने को मिला। पहला है मार्च 8 का 2016 में, फिर 2016 में एक और केस आता है एआर दवे बेंच का, 2016 में फिर 2011 में, 2012 में, कई ऐसे यहां पर केसेस रहे हैं। अभी रीसेंट के कुछ केसेस आपको बताना चाहूंगा। पहला है अयोध्या राम जन्मभूमि केस, जिसमें यूयू ललित साहब ने अपने आपको रिक्यूज कर लिया था, क्योंकि उन पर एलिगेशन है किसी फॉर्म में कि उन्होंने जब कल्याण सिंह, जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन हुआ था, तो कल्याण सिंह पर जो केस चलाया जा रहा था कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के चलते, उसमें ये काउंसिल थे, उस वजह से यहां पर इन्होंने अपने आपको रिक्यूज कर लिया। अगला है एनवी रमन्ना साहब का, रिसेंटली सीजीआई की बात करें रंजन गोगोई पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस लगाए गए थे किसी एक महिला द्वारा, तो उस महिला का यहां पर कहना था कि एनवी रमन्ना ये केस से हटा दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो अच्छे दोस्त है रंजन गोगोई के और बार बार उनके घर भी जाते हैं, तो इसके चलते मैंने बताया था रिलेशनशिप विद समवन, तो ये वही ग्राउंड है। साथ ही मैं बात करें जस्टिस कौशिक चंदा की, जिन्होंने हाल ही में रिक्यूज किया है ममता बनर्जी की प्लीज है, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था शुभेंदु अधिकारी की जो जीत हुई थी वेस्ट बंगाल में, तो शुभेंदु अधिकारी है बीजेपी के, राइट? तो बीजेपी का एसोसिएशन माना जाता है कौशिक चंदा साहब के साथ जब वो लॉयर थे, तो उनका क्लोज एसोसिएशन है बीजेपी से, ऐसा ममता बनर्जी का यहां पर कहना है, और उन्होंने यहां से अपने आप को रिक्यूज कर लिया कि मैं केस नहीं सुनूंगा। अगर वो सुन भी लेते ना तो जनरली क्या होता है बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, बहुत सारा आपके खिलाफ आप देखेंगे पेपर्स में काफी सारे आर्टिकल आते हैं जिसमें आपको टारगेट किया जाता है। जनरली जजेस कोशिश करते हैं कि अपने आपको रिक्यूज कर लें, एक एथिक है ये आपका जो आपके अंदर होना चाहिए बींग अ जज। साथ ही मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ रिक्यूजल की, मैंने आपको बताया कोई क्लियर प्रोसेस यहां पर नहीं है, और सिग्निफिकेंस है इस बात का कि एक जेस्चर है कि हम नॉन पार्शियल नेचर में जस्टिस डिलीवर करना चाहते हैं, हमें कोई किसी को फेवर नहीं करना, हम जज हैं, हमारा काम है कि हम बिल्कुल कोई भी जो भी पार्टीज उनके खिलाफ एकदम न्यूट्रल होकर यहां पर डिसीजन दें। साथ ही मैं इससे बात करें तो जो जुडिशियरी का रेपुटेशन है, जितने रिक्यूजल होते हैं उससे ये पता चलता है कि जुडिशियरी का जो रेपुटेशन है वो इंटैक्ट रहता है, हमें पता है कि अगर जज अपने आपको रिक्यूज कर रहा है तो जनरली उसने कुछ सोच समझ के किया होगा, उसका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर बना होगा। ऑलराइट, चलिए साथ ही मैं एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं जल्दी से। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स आर्टिकल 262 ये प्रोवाइड करता है, और पार्लियामेंट को सारी यहां पर पावर्स दी जाती है नियम कानून बनाने के लिए।
अगले की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का यहां पर कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है इन केस ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये याद कर लीजिए। तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू हेयर आर करेक्ट। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, डिटेल में समझ में आया होगा रिक्यूजल होता क्या है और जजेस ये रिक्यूजल किन ग्राउंड्स में यहां पर करते हैं, और इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, नो रिटन प्रोविजंस आर देयर फॉर रिक्यूजल ऑफ जजेस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।